गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में बताइए। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। जो श्रीलंका है वो क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी कोलंबो है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? कोलंबो है। इसका आकार 1,000,000 square kilometers। इसका आकार 1,000,000 square kilometers। क्या बताया मैंने? जो श्रीलंका है वो भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी कोलंबो है। इसका आकार 1,000,000 square kilometers। इसकी जनसंख्या 1,000,000 square kilometers। जो इसकी जनसंख्या है वो भी 1,000,000 square kilometers है, और जो इसका आकार है वो भी क्या है? 1,000,000 square kilometers है। इसमें तीन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सिंधी, चौहत्तर प्रतिशत तमिल 18%, ईसाई 7% रहते हैं। इसमें तीन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सिंधी 74%, तमिल 18%, ईसाई 7%। जो तमिल है, तमिल दो प्रकार के हैं, तमिल दो प्रकार के हैं। एक है श्रीलंकाई तमिल, और नंबर दो है भारतीय तमिल।
तमिल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल कौन से हैं? जो तमिल श्रीलंका में पैदा हुए उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। जो श्रीलंका में पैदा हुए उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। भारतीय तमिल जो भारत में पैदा हुए और श्रीलंका में रहते हैं उन्हें भारतीय तमिल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की जातीय बनावट जटिल है। फिर सुन लो एक बार, जो हमारा क्वेश्चन था यह था श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में बताइए। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी कोलंबो है। इसका आकार है ना, आकार हरियाणा के बराबर है। इसकी जनसंख्या हरियाणा के बराबर है, अर्थात जो इसका आकार है वो भी हरियाणा के बराबर है और जो इसकी जनसंख्या वो भी हरियाणा के बराबर है। इसमें तीन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सिंधी 74% जो कि सबसे ज़्यादा है, तमिल 18%, ईसाई 7%। तमिल है ना, तमिल दो प्रकार के हैं वहाँ पर। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल, जो तमिल श्रीलंका में पैदा हुए हैं उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। भारतीय तमिल, जो भारत में पैदा हुए और श्रीलंका में रह रहे हैं, श्रीलंका में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्रीलंका भारतीय तमिल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की जातीय बनावट बहुत जटिल है। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग करने से पहले कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में।